देश में आए दिन डॉक्टरों की लापरवाही के मामले सामने आते हैं, फिर चाहे डॉक्टर सरकारी हो या प्राइवेट। सूरत से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिससे आपका डॉक्टरों से भरोसा उठ जाएगा। डॉक्टर की लापरवाही ने एक नवजात बच्चे के सिर से मां का साया छीन लिया है। ये मामला है सूरत के वराछा इलाके से, जहां दयाबेन नाम की महिला ने अपनी बच्ची को जन्म देते ही दम तोड़ दिया। ये पूरी घटना सूरत के प्राइवेट हॉस्पिटल की है। महिला की डिलीवरी को नॉर्मल बताकर फिर परिवार से बातचीत के बगैर ही डॉक्टर ने सिजेरियन कर दिया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। वो दोपहर को 11 बजे हम एडमिट हुए थे और 6 बजे तक उसने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बाद में वो फटाफट उसने बोला कि क्या करने का है, तो अभी वो डिसीजन दो ऐसा हमको कुछ पूछा नहीं और बिना डिसीजन लिए बिना उसने सिजेरियन कर डाला। फेल होने के बाद उसको वहाँ से निकालने के लिए महावीर हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करने का बोला था, तो वहाँ पे हमको तो मालूम हो गया था। हमको बॉडी देखने को हमने बोला कि बॉडी दिखाओ, तो उसने ना बोल दिया कि बॉडी आपको नहीं देखने मिलेगी। तो वहाँ पे क्योंकि वो केस फेल था, वो बोल रहे थे कि आईसीयू में महावीर में एडमिट करना पड़ेगा। हमको न्याय चाहिए और एफआईआर पुलिस को इतनी मांग कर रहे हैं कि हमारा एफआईआर जो चारों डॉक्टर है उसके सामने दर्ज करे। दयाबेन की मौत के बाद अब परिवार में आक्रोश है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नम आंखों के साथ परिवार के सभी सदस्य अस्पताल के बाहर बैठकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, वो जब हॉस्पिटल में अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में, सब ऑपरेशन हो गया और बाद में वो उसको सीजर कर दिया। बाद में डॉक्टर की अदरवाइज कोई मिस्टेक हुई थी तो वो ब्लड बाहर से मंगवाया, पहले 4 बोतल मंगवाया, बाद में फिर 4 बोतल मंगवाया, बाद में 2 बोतल मंगवाया। अगर डॉक्टर से कुछ हो नहीं पाता था तो डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर को हायर करना चाहिए। उसके फैमिली मेंबर बाहर से देख गए तो उसने वो कोथली होती है गर्भाशय की वो निकाल के बाहर रख दी थी परमिशन के बिना। इस रूल्स है कि जब वो कोथली निकाले कोई भी कार्य करे तो पहले उसके फैमिली मेंबर की सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर के बिना उसने कोथली निकाल दी, उसके फैमिली मेंबर ने देखा है। मैं तो वहाँ पे थी नहीं, मैंने नहीं देखा है, लेकिन उसके फैमिली मेंबर बोल रहे थे कि हमारे परमिशन के बिना उसने कोथली निकाली, तो वो डॉक्टर की 101% मिस्टेक है। हम 3 दिन से यहाँ परेशान है, उसका छोटा बच्चा है वो भी मां मां करके चिल्ला रहा है, तो आप कोई तो हमें हेल्प कीजिए, कोई तो हेल्प कीजिए प्लीज। दयाबेन की मौत के बाद अब परिवार वालों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है और लापरवाही के चलते हुई इस घटना के बाद परिवार ने दयाबेन की लाश को लेने से इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि नवजात को अब दूसरे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कदम उठाती है और क्या दयाबेन और उनकी बच्ची को न्याय मिल पाएगा। गुजरात तक के लिए संजय सिंह राठौर की रिपोर्ट।